क्यों रिकी पॉन्टिंग सैम करन से खुश नहीं है और मुंबई इंडियंस क्यों काइरन पोलार्ड को रिलीज कर रही है और कैसे शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने लोगों को गुमराह किया, ऐसे ही कई अपडेट्स हैं आज मेरे पास, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के फर्स्ट अपडेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में। दरअसल जब सैम करन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया तो ये देखकर रिकी पॉन्टिंग को अच्छा नहीं लगा। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मेरे लिए तो विराट कोहली ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। और इंग्लैंड के T20 चैंपियन बनने पर मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करके कहा कि इस T20 वर्ल्ड कप से हम सबक सीख सकते हैं कि सिर्फ गेंदबाजी से पाकिस्तान नहीं जीत सकता और सिर्फ बल्लेबाजी से इंडिया नहीं जीत सकता। ये T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने अपने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और लक की वजह से जीता है। पाकिस्तान के हार पर जब शोएब अख्तर ने यह हार्ट ब्रेक वाला ट्वीट किया तो इस पर मोहम्मद शमी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि सॉरी ब्रदर, इट्स कॉल्ड कर्मा। मोहम्मद शमी का यह ट्वीट देखकर कई पाकिस्तानी फैंस भड़क उठे और मोहम्मद शमी को ट्विटर पर गालियां देने लगे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान मैच शुरू होने से पहले कई पाकिस्तानी फैंस दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते। आप देखिए वो वीडियो। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की एक ना चले, मोहम्मद रिजवान से छक्के लगवा, आमीन। हमारे बॉलर्स को जल्द से जल्द इंग्लैंड की विकेट उड़ाने की हिम्मत दे, आमीन। बाबर आजम को हार्ड हिटिंग करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और या लपाक बारिश नहीं देना, आपके तेरे कुदरत बहुत अजीम है, बारिश के बजाय मैच को मुमकिन बनाना। अगली सारी अपडेट से IPL के बारे में तो आप वीडियो को जरा ध्यान से देखना। BCCI ने ये अनाउंस कर दिया है कि 23 दिसंबर को IPL ऑक्शन होने वाला है और IPL के सारी टीमों के लिए आज का दिन बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज ही वो दिन है जिस दिन सभी IPL टीमें अपने रिटेन किए गए प्लेयर्स की लिस्ट को जाहिर करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। दरअसल कोलकाता के पैट कमिंस 2023 में होने वाले IPL में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि पैट कमिंस को एशेज पर फोकस करना है। और KKR ने IPL ऑक्शन से पहले इन तीन खिलाड़ियों को खरीद लिया है, जिनके नाम है लॉकी फर्ग्यूसन, आर गुरबाज और शार्दुल ठाकुर। KKR ने आर गुरबाज को और लॉकी फर्ग्यूसन को गुजरात टाइटंस से खरीदा है, जिसमें उन्हें लॉकी फर्ग्यूसन के लिए 10 करोड़ रुपए देने पड़े और शार्दुल ठाकुर को उन्होंने दिल्ली की तरफ से 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगली अपडेट है रिटेन किए गए प्लेयर्स के बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब्दुल समद को रिटेन कर लिया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग KKR ने भी वरुण चक्रवर्ती को रिटेन कर लिया है। अगली अपडेट है रिलीज किए गए प्लेयर्स के बारे में। दरअसल ये लगभग तय हो चुका है कि राजस्थान रॉयल्स देवदत्त पडिक्कल को रिलीज करने वाली है और रिपोर्ट्स के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद भी IPL ऑक्शन से पहले केन विलियमसन को रिलीज करने वाली है। और मुंबई इंडियंस ने अब बड़ा फैसला लिया है। मुंबई इंडियंस ने काइरन पोलार्ड को 12 साल बाद रिलीज कर दिया है और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी ब्राव और अंबती रायडू को रिलीज कर दिया है, यानी अब वो CSK का हिस्सा नहीं है। और शायद रविंद्र जडेजा भी CSK का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी ये रूमर्स फैल रहे हैं कि जडेजा CSK की तरफ से नहीं खेलना चाहते। अगली अपडेट है शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बारे में। दरअसल कई दिनों पहले ये न्यूज आ रही थी कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक होने वाला है, क्योंकि सानिया शोएब का घर छोड़ के दूसरे घर में रहने लगी थी। लेकिन ये सब उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया, अपने शो को पॉपुलर बनाने के लिए, क्योंकि सानिया और शोएब का एक शो आने वाला है जिसके लिए उन्होंने यह ड्रामा किया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई अपडेट के साथ।